असलम नाजरीन, 2013 के आम चूंड में सिन टीवी की खसूसी नशरियात के पोल सेंटर में हाजिर आयो। नाजरीन, तक खबर आ सजे मुल्क में चूंडू थी रही है, उनकी इलेक्शन मुहिम आ कैंपेन आ जोरन से हली रही है। सजे मुल्क में मुख्तलिफ कौम परस पार्टियों मुख्तलिफ सूबन में पांजे प्लेटफॉर्म तलायंसन बीठू हैं। बलूचिस्तान में पे भेर ये थो कौम परस पार्टियों एक वही डिघी साही का इलेक्शन में वापस आयु हैं, उत सरगर्मी हली रही हैं। ए खैबर पख्तूनख्वा जो नेशनलिस्ट पार्टियों हैं, जैमें सब का वही अवामी नेशनल पार्टी है, वह रिवायती तौर इलेक्शन में होंगी है। इन भेरे भी दुखायन समेत इलेक्शन में आए, पर सिंध में जो डेवलपमेंट इन भेरे 2013 के चूंडन में आए, उनमें पे भेरों कौम परस पार्टियों जहा पार्टियों इंडिविजुअल उम्मीदवार मैदान में लथल हैं, जहाँ सिंध में एक नई डेवलपमेंट है। सिंध जहा कौम परस्त इन चूंडन में केतरो मैदान मारींदा ए पांजे भाग जो केतरो भांगो हासिल कर सकता, उनके केतरी दुखियाई हुई या एक्सरसाइज उन केतरी नई केतरी मुश्किल आणींदी, इन सही सूरत हाल से गाल बोल कर स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार डॉक्टर अली रिद। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। कौम परस्त इलेक्शन में बीठा हैं, इश्तिहार मैदान पे मारन, तुम एक असें बर्ड्स आई व्यू बुधा तो हेडियो जो डिस्कोर्स हलो जो चूंडन का टे चार पंज महीना अग में जी कैंपेन हुई पूरी जहाँ कौम परस्तन के हथ में हुई, उन जो के चूंडन ते को असर नजर अचे पे रिप्लिकेट थे पे तो चूंडन में वाकई वो दिसण में अचे पे या वो मोमेंटम नेशनलिस्ट खणी आया है। सो न तो सिंध के अंदर जो नेशनलिज्म जो हिस्सो वो नेशनलिज्म पुरानो वन यूनिट जो लगो उन जमाने उन पैरी और नेशनलिज्म जहाँ मुख्तलिफ फॉर्मेट मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों में डिवीजन्स या ब्लॉक्स रहा हाँ सिंध के अंदर एक बो मसलो रो सिंध में नेशनलिस्ट एज ए कैम्प सी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व उन माना सेखराटन तजुर्बो ना है या इन्वॉल्व न थियान एकड़ी धुरी जिनको इलेक्शन के प्रोसेस से बिलीव ही को कदम हिस्सो न वी सन जी जी एस जहाँ मुख्तलिफ फैक्टर्स या मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं बू जी पार्टी रेजोल्यूशन में या पूनम चार्टर से या बाद में जो सपना ठो या जो इतिहाद ठाया उन्होंने जो पार्ट रहा टे पार्टियों सिंध तरक्की पसंद पार्टी सिंध पार्टी और अवामी तहरीक उन्होंने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में इन भेरे थोड़ो अगे की निस्बत एक चढ़ हिस्सों वरत माजी में उन्होंने एतो फैक्टर को हाँ उन्होंने अना सीख ला काफ़ी मैदान मवाद एज ए प्रेशर ग्रुप तो उन्होंने वो हिस्सों रो सिंध की पॉलिटिक्स से असरअंदाज न रहा या मुख्तलिफ जो ओपिनियन मेकिंग उनमें उन्होंने जो हिस्सों रो या हिंसर जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के वर्क में दुखियों थी रही या जिते वन था उत सवाल थी रहा हैं या खुद इतने जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट साहब जो इतने वेही रहन कराची में मैन्यूवरिंग कर पॉलिटिकल यो माना वो प्रेशर आको उतना आयो हाँ उन प्रेशर या उन एक्टिविज्म के इलेक्शन में वोट में किए कन्वर्ट कजे इन अखण ला एक तो वसीला सीख तैयारी के लिए अ टाइम खो। अच्छा डॉक्टर साहब, तुम चो असा मोमेंटम की गाल कई चूंडन का अग में तमाम वोड़ो डिस्कोर्स हो जो नेशनलिस्ट हलो जैमें खास कर बिटो मकानी निज़ाम उन वही कैंपेनिंग थी जण त जो सिंध की जो हिस्ट्री आने एक दफो बीहर जो वड़ी वड़ी तहरीक हुई एंटी वन यूनिट तहरीक हुई या सिंध जो बम्बई से जो मर्ज थियण हो उन तहरीक में वो मोमेंटम हो इन तहरीक में पर ऑन द कंट्ररी अस अंगखर अचन पाया तो ये नाई आम चूंडू हैं उनमें जो मोमेंटम आ या जो इलेक्शन जो टेम्पो हों ऑन द कंट्ररी सफा घट आ थोड़े जो उनमें नेशनल्स बीठा है नारा है एक वही है पी पी मुखालिफ एक महाज भी है उनमें ख्वारी भी है रीजन उन रीजन यो है जी पीपल्स पार्टी जो मुतबादल थे कोशिश कदड़ धुरी उनट्रेटी कन्फ्यूज्ड कन्फ्यूज्ड स्ट्रेटी वो क्लियर मैसेज अंडरस्टैंड को पाया कर सिंधी मू पी पी से छो आ कदें ये समझ पो इलेक्टेबल्स या वडेरो या पार्टी पावर में इंदी रही है इन कर आम वोटर मौके परस्त जो शिकार थी ते वोट करे तो माना एक उन्होंने यो पास रो बे पास उन्होंने वो एक यो भी रो भाई थी सके तो असाखे जैसे अस पी पी के इस्टेब्लिशमेंट कमजोर या ख़त्म कर चाहे थी असा थोड़ो इस्टेब्लिशमेंट के वेझे थियूँ तो असा शायद नेक्स्ट चांस अचे हाँ इन एक कन्फ्यूज स्ट्रेटजी के कर मुतबादल को सीधी सही गाल पी आ सिंध के अंदर पीपी जो एक वोटर हुआ जो मजलूमियत के हमदर्दी के करो उन रेडिकलिज्म या एंटी इस्टेब्लिशमेंट पोस्चर के
कंदो आ टोटल सिंध के अंदर 30% 26 इन परसेंट वोट में कास्ट थे तो 70% रहल है जो मानू इलेक्शन के प्रोसेस का बाहर है बदतमादी करे तो उन्हें के की अपील कजे की वोट में वठी जे नसो ना पंजाब के अंदर पीटीआई एक मोमेंटम पैदा कियो यूथ वारो तो नौजवानन की अपील कियो नौजवानन नौजवान करप्शन के खिलाफ नौजवान प्रैक्टिकल ना है प्रैग्मेटिक ना है नसो ना 40 साल का बाद में मानू कंप्रोमाइज करना शुरू तो करे तो भाई हाँ नौकरी बचाणी है तो भला थोड़ो घणो उणी भी थी नौजवान तो जज्बाती थे तो वो चे तो शूँ बिल्कुल क्लियर अचो माना या ब्लैक में आ या वाइट में आ विच में ग्रे एरिया ना हाँ सिंध के अंदर यो रेडिकल नौजवान है जो अज भी कॉम्प्रेस धुरन से या बेन से मौजूद है जुड़ियल है ना जुड़ियल तभी बाहर वेठो तो नाराज आ उन्हें के कि अपील कजे माना को भी मुख्य केंटो नो नजर अचे उन्हें तो उन्होंने फोकस करो आसो जो जी बेनजीर साहब आज शहादत थी तो सिंधी मानू के स्पिरिट हो सिंधी मानू रिएक्ट कर उन्हें कुवतन के खिलाफ जी कुवतूँ पंजाब जो एस्टेब्लिशमेंट जो रिवायती इतिहादी साथारी रही मानू जो मैसेज हो तो बेनजीर साहब आ सिंध जी होने के कर शहीद थी हाँ उन्होंने भी पीपल्स पार्टी केस कराया हालांकि इन इशू के खड़ी कर पीपल्स पार्टी के ही मान प्रेशर में आने सकते पो दिसो तुम वकालत कह रहा जो नेशनलिस्ट चवंदा रहा तो इतमाद न कर उन्होंने तुम उन्होंने इतमाद करो तुम हाल इन कर हाँ भी वक्त है तो मोटी जो इन सिफन में पर हाँ इन शयन के कर या तो किथे इन लिमिटेशंस हैं जी शूँ मासिना तो रिंग का बाहर वेठा आयो अस समझ में अचन थी तो कड़ी पॉलिसी कज कड़ी स्ट्रेटजी कज जो ऑब्जेक्टिव अचीव थे वो जो मूल खेड उनकी छो नी समझ में अचे ऐसो तुम तैयारी की गाल यकीन इलेक्शन इन डायनेमिक्स ही जुदा है बी पॉलिटिक्स का असा जो भोतारन या वडरन की सियासत चुन उ वा माहिर जानू हैं एक्सपर्टीज तमाम घड़ी हाँ बलूचिस्तान जो नेशनल्स पार्टियां या पख्तून जो पार्टियां उन्होंने में भी बधारा हुआ पर उन्होंने जो पार्लियामानी सोच रखड़ फोर्सिस उनकी तैयारी है ओवर द ईयर्स बी एन पी मेंगल सजे इन प्रोसेस का बाहर हुई एक महीने में वो आया तो वरी उन्होंने मोमेंटम गैदर किया सजे बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट कन पाया असो जो कॉम्प्रेस पार्टियां खास कर जे तब्दीली के बे रस्ते डां जो बो अस धारा चाहूँ तो नी हो तैयारी इन सजे प्रोसेस में जी एस यू पी आ या एक अवामी तहरीका है सबका हाँ कौमी अवामी तहरीका इन जैसे समझो पे तो इन में वींदा तो उन्हें घुर्बल तैयारी छो नी दिसण में अच्छी असो ना या सिंध तरक्की पसंद पार्टी हुई वही पार्टी आने जाम तक जनरल सेक्रेटरी उनको मुकाबलो कर रो या अवामी कौमी अवामी तहरीक जो प्रेसिडेंट कासिमबाद वाले तक से उनकी थोड़ी घनी सरगर्मी नजर थी अचे एस यू पी बिन जगह से फोकस्ड आ एक सकरन वाले तक से जिते सैद जैन शाह बीठो है गुलाम कादर चानी के अगेंस्ट या असगर हिंदू से बीठल आदा जो मांझंद वो तक है जिनमें जलाल महमूद शाह बीठो मलिक सिकंदर से हाँ ये टे चार तक नजर अचन था जिनके अंदर थोड़ो घड़ो एक माना कॉम्परस्त खटन की पोजिशन में भी आन या मुकाबले की पोजिशन में आन या उत उनो मोमेंटम है हि पूरी सिंध पी आ इन में ये मान ओवर द ईयर दिठो तो पीपल्स पार्टी जी हाँ आई है ना इन इलेक्टेबल्स मकामी वडेरों जुड़ो जो इलेक्शन जो खर्च भरे हाँ इलेक्शन एडी महंगी न रही हुई मान या तो बिल्कुल हु जो स्टाइल आ जो घोड़ा बाड़ी इलेक्शन की कास्ट है बिया जो मामला चैलेंजेस हैं उनते पान गालायो ता इशारो भी थे असंगे वक्फे जो नाजरीन असी आज गाल बोल कर रहा हूं कॉम्प्रेसन जी चूंडन में हिस्सो वठन उनन के जके चैलेंजेस सामो आन उनते इते वक्त थियो है एकडी साही जो असंगे गड रह जो